लॉकडाउन के बाद मजदूर, ठेला रिक्शा चालक और रोज कमाने वाले लोग अपने परिवार को दो वक्त का खाना नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में उनकी दयनीय स्थिति देखने के बाद वार्ड संख्या 22 की पार्षद अनीता देवी सामने आई। किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वार्ड संख्या 22 की माननीय पार्षद अनीता देवी कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद वार्ड संख्या 22 की गरीब जनता के बीच जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए उनका सिर्फ एक कार्यकर्ता घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। लगातार 14वें दिन भी अनीता देवी राशन वितरण सामग्री का जायजा लेने पहुंची। अनीता देवी इस दुख और मुसीबत की घड़ी में अपने वार्ड की जनता के साथ खड़ी रही, इस महामारी में अपने वार्ड की जनता के प्रति अपनी भागीदारी निभा रही है। अनीता देवी का कहना है कि उनके सभी कार्यकर्ता और प्रतिनिधि रंजीत जी के सहयोग से सभी भूखे लोगों की खाने की व्यवस्था की गई। रोजाना 400 पैकेट राशन का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। मेरा एक ही लक्ष्य है, अपने वार्ड की जनता की सेवा करूं, उनके इस मुसीबत में उनके साथ खड़े रहूं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं अपने वार्ड की जनता को बताना चाहती हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता है तो हमारे संपर्क सूत्र 6903111131, दूसरा नंबर 8409451655, तीसरा नंबर 9931724977 पर संपर्क करें। आपको कहीं भी कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसके बारे में हमें सूचित करें। जिला प्रशासन की मदद से उसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि आप सभी अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव।